हेलो दोस्तों, मॉक टेस्ट 55 कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम द वेक्टर प्रोडक्ट ई क्रॉस एच इज अ मेजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था कि इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट। मतलब ये, अगर मैं इसमें बात करूं, ये होता है आपका P, दिस इज इक्वल टू E क्रॉस H, ये होता है, या हम इसे बोलते हैं हाफ मॉड E स्क्वायर बाय ईटा वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस, मतलब कि क्षणिक, जिसे बोलते हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये तो हट गया आपका, पावर डिसिपेटेड भी नहीं होता, हम डिसिपेट तो नहीं करते हैं पावर को। रेट एनर्जी किस तरीके से फ्लो हो रही है, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर, द इंस्टेंटेनियस, द इमीडिएट रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस और एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस शीट रेजिस्टिविटी। देखिए, आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालूं तो ये क्या होता है? R A अपॉन L। आप सिंपल है, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ये जनरली हो जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे इसने बोला सरफेस शीट रेजिस्टिविटी, ये तो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी है। अगर मैं सरफेस शीट रेजिस्टिविटी की बात करती हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा, ये होना चाहिए ओम मीटर। जनरली ये जो इसका ऑप्शन होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए ओम मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसका आंसर वैसे ये होना चाहिए, बुक्स में ये दिया है ओम पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डाउटफुल बत लिख रही हूँ, क्योंकि आंसर तो ये होना चाहिए। आपने देख लिया कि कैसे निकलता है। अगर मैं इसमें कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम पर मी पर ओम पर मीटर, ओके, पर ओम पर मीटर, यही होती है ना। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन इज द प्लेन वेव वेयर ए वाई इज द यूनिट वैक्टर। किस डायरेक्शन में ये वाई यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में आपका प्लेन वेव ट्रैवल कर रहा है या प्रोपेगेट कर रहा है। देखिए, इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, यही होता है ना, और ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, दिस इज नोन एज, ये वोल्ट पर मीटर होता है। अब आप देखिए, ये जो इसमें आपको ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, ये क्या है आपका? नेगेटिव, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये कल भी इस तरह का हमने क्वेश्चन है किया था, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये डी होगा। नेक्स्ट है, एनालिटिकली पोलराइज्ड वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इन एयर हैज एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि क्या बोल रहा है ये। इलिप्टिकली पोलराइज में क्या होता है, इसमें एम्पीट्यूड्स अनइक्वल होते हैं और फेज का कोई भी आर्बिट्ररी फेज डिफरेंस होता है दोनों कॉम्पोनेंट्स में। अगर मैं देखूँ तो इसमें जो ई एक्स नॉट का एम्पलीट्यूड है वो 3 है, और जो ई वाई नॉट का एम्पलीट्यूड है वो 6 है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आएगी अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, यही आएगा, ओके। सो वॉट विल इट कम? इट विल कम आउट टू बी 9 प्लस 6 6 जो 36, इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 45। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया निकालना है। जब हम ये इसकी बात करते हैं, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर खाली एवरेज पावर पूछता है, तो हम इसको यूनिट एरिया से इंटीग्रेट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पढ़ा होगा ना आपके पी डॉट डी एस एंटीना में पढ़ा होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी आपकी मॉड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ईटा, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी हाफ इंटू जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, ये 360 ओम्स है, और जो आपका मॉड ई स्क्वायर है, ये कितना दिया है आपको, अंडर रूट 45। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कितना आएगा बच्चों ये, फिर ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये होगी कुछ 1/2 इंटू 45/360, ओके। तो ये जब आप पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 315 जा 55 एंड 3 1 जा 3,
एंड 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, तो ये 2.5 हो गई, तो 2.5 बाई 4 करेंगे तो ये कुछ आपका ये आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग 1 मीटर थिक डायरेक्ट्रिक आपको दिया है, एकरिंग द रीजन, कौन सा डायरेक्शन है आपका, एक्स डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज इट, इट्स डायरेक्शन इज एक्स। ठीक है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड मान लिया मैंने, तो आप इसमें देखिए, ये रीजन दिया, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पोलराइजेशन पूछा है। देखिए पोलराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट ऑफ एप्सिलॉन आर -1 ऑफ ई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मटेरियल साइंस में भी ऐसा फॉर्मूला है, तो आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि आपको एप्सिलॉन आर कितना दिया है, थ्राइस, कितना दिया है, 3 -1 इंटू ई कितना है, 6 6 ax, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 12 एप्सिलॉन नॉट ax, तो इसका जो आंसर आएगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट नॉन मैग्नेटिक कंटूर ऑफ रेडियस 8 मिलीमीटर इज कैरिंग अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी ऑफ दिस मच, तो हमसे देखिए, अब इस केस में आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में इसने बोला यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है जेड डायरेक्शन में और रेडियस दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कह रहा है मैग्नेटिक कंडक्टर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात नहीं की है, ये क्या होता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी होता है, ये क्या होता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी। ठीक है, जहां पे जो आई होता है वो इंटीग्रल एस जे डॉट डी एस हो जाता है, यही होता है क्योंकि करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा, ये वैल्यू कुछ आएगी 100 × 10³, क्योंकि आपको ये दिया है ना करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ये एक्चुअली क्योंकि नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर दिया है, ये क्या दिया, लॉन्ग स्ट्रेट नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस दिया है एंड इसमें यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, बिकॉज द करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रीजन इन द जेड डायरेक्शन, तो ये दिया है, और डीएस कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है, 8 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप फर्दर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁵ इंटू पाई इंटू 64 × 10⁻⁶ हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 64 × 10⁻¹ पाई, यानी कि 6.4 पाई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए कि फाई सी एच डॉट डी एल, अभी हम गिवन कंडीशंस को देखते हैं, द टोटल करंट कैरिड बाय द कंडक्टर इज, या ये तो क्वेश्चन में आ ही रहा है। ठीक है, आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि फाई सी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज होता है, ठीक है, एंड ये यहाँ पे रेडियस कितना है, ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर, जो ये क्वेश्चन में दिया है कि हाँ, ये जो करंट है इसकी जो वैल्यू है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 10⁵ ए जेड, जब आप निकालेंगे इसको फर्दर पूरा कर्ल से सॉल्व करेंगे, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, लेकिन हमें जेड डायरेक्शन में दिया है, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है, जैसे ये जो है ना आपका, क्योंकि सर्कुलर एरिया है, तो सर्कुलर एरिया का जो डीएस है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यही तो ना, तो इसमें आप देखिए कि ये मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सर्कुलर दिया है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एच डॉट 2 पाई। ठीक है, एच इसका यहाँ पे फाई कोऑर्डिनेट हो गए, सर्कमफ्रेंशियल सरफेस है, आपने पढ़ा होगा ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, आर फाई जेड पढ़ा होगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, तो ये जो फाई है एजीमुथल डायरेक्शन में हो गया, तो ये वैल्यू, ये 2 पाई आर इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल लेंथ हो गई, सो दिस इज इक्वल टू, करंट इनक्लोज कितना है, 6.4 पाई, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू 6.4/2 ये रो इंटू, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ए फाइव, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो भी है वो आपका कुछ आएगा, वैसे आंसर मैच तो नहीं कर रहा है इसमें, ये कुछ आना चाहिए, हाँ इसका है, लेकिन बुक्स में देखिए, मैं आपको थोड़ा बुक से भी रिलेटेड बताती हूँ कि स्टैंडर्ड बुक है, कुछ 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 चीज़ें क्या मिस्टेक्स हैं, पर इतनी मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन जैसे ये तो गलत है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
इसका ये भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन इसने ए ऑप्शन दिया है, लेकिन ये ए ऑप्शन भी डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? क्योंकि आंसर तो आपका ये आ रहा है ना, एच फाइव डेल क्रॉस एच 10^5 ए जेड तो नहीं आ रहा है ना आपका, है ना? तो ये रेडियस ग्रेटर देन 800 मिलीमीटर के केस में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो इतनी आई, तो ये अभी आप डाउटफुल है, तो इसलिए आप इसको मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है, गिवन दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी, अब देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है हमें, ये भी हमें आर फाइव जेड दिया है, आर फाइव जेड दिया है। अब आप इसमें देखिए, जब आप इसमें डेल डॉट डी निकालते हैं, तो ये इसका क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें केवल इसका कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, जेड कोऑर्डिनेट दिया है, तो जेड कोऑर्डिनेट का तो डिफरेंशियल आराम से निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल डी जेड बाय डेल जेड, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जब ये डेल डेल जेड है तो ये कितना है, जेड रो कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ए जेड यूनिट वेक्टर था, तो यहाँ पे ये जो है आपका, सॉरी ये क्या हो गया, ये जो है ये डेल डेल जेड ऑफ जेड, तो ये आंसर में आएगा रो कॉस स्क्वायर फाई। अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, रो की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, वन, चार्ज डेंसिटी एक्चुअली पूछा है इसने, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वन डॉट कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय फोर, ओके, तो कॉस पाई बाई फोर इज वन बाय रूट टू, इसका स्क्वायर होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये 1.5 होगा, तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए ये क्या दिया है, टू डायलेक्ट्रिक मीडिया विद परमिटिविटीज आर, देखिए क्वेश्चन इसरो में आते हैं आप माने ना माने, तो ये जो आपका देखिए ये हमें एक बाउंड्री दी है, ये बाउंड्री है, इंटरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल दिया है, दिस इज नॉर्मल, यहाँ पे हमें ये बाउंड्री दी है, यहाँ पे टू मीडियम्स दिए हुए हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम वन एट पॉइंट पी वन हैज इवन, ये पी पॉइंट पी वन पे मान लीजिए, ये पॉइंट पी टू पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें डायरेक्शन ऑफ ई टू निकालना है एट पी टू, तो अब आप इसमें देखिए ये हमें एप्सिलॉन वन थ्री दिया है, एप्सिलॉन टू रूट थ्री दिया है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक मीडिया की, आप पहले ये देखिए कि कौन सा मीडिया है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस कंडक्टर डायलेक्ट्रिक की अलग अलग है, तो हमें जो बाउंड्री कंडीशंस दिया है डायलेक्ट्रिक में, हमेशा जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू, देखिए क्या होता है, ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू, दैट मीन्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूस, ठीक है। जब ये ई टी वन दिया है तो यहाँ पे जो बाउंड आएगा एंगल वो ई वन साइन अल्फा वन इज इक्वल टू ई टू साइन अल्फा टू आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इसने क्या दिया है, दे आर सेपरेट बाय चार्ज फ्री बाउंड्री दिया है ना, इसका मतलब चार्ज फ्री बाउंड्री है, तो यहाँ पे जो रो है वो तो जीरो हो गया। नेक्स्ट आपका दे रहा है नॉर्मल कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज के होंगे, अब हम डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज के होंगे ये कंटिन्यूस होंगे अक्रॉस अ चार्ज फ्री इंटरफेस, आपके पास जनरली डी एन वन माइनस डी एन टू इक्वल टू रो एस होता है, लेकिन ये जीरो दिया है क्योंकि हमें चार्ज फ्री इंटरफेस दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो ये तो जीरो है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी एन वन इज इक्वल टू डी एन टू लिख सकती हूँ, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे डी कितना होता है, एप्साइलन ई, डी कितना, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, तो डी इक्वल टू एप्साइलन ई होता है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस अल्फा वन इज इक्वल टू एप्साइलन टू कॉस, सॉरी ई टू कॉस अल्फा टू, तो यहाँ पे आप देखिए एप्साइलन वन कितना है, थ्री, और ईवन ईवन हो गया, और ये कॉस अल्फा वन हो गया, और एप्साइलन टू कितना दिया है, रूट थ्री, और ये ई टू कॉस अल्फा टू हो गया। अब आप इसमें देखिए दोनों को मैं क्या करूंगी, वन डिवाइड बाय टू कर लूंगी, जब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास इवन इवन तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा क्या आएगा, देखिए जो मेरे पास इक्वेशन आएगी यहाँ पे ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका कुछ टेन, क्योंकि साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टेन अल्फा होता है, तो टेन अल्फा वन बाय थ्री इज इक्वल टू टेन अल्फा टू बाय रूट थ्री, यही होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है, हमें अल्फा वन तो 60 डिग्री दिया है ना, ये वैल्यू हमें 60 डिग्री दी है, तो टेन 60 इज रूट थ्री, तो रूट थ्री बाय थ्री एंड इज इन टू रूट थ्री, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ टेन अल्फा टू, तो ये कितना होगा, अल्फा टू इज इक्वल टू
सॉरी, अल्फा टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा टैन इनवर्स वन यानी कि 45 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बी ऑप्शन, ये 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नो रिफ्लेक्शन कंडीशन वर्टिकली पोलराइज वेव शुड बी इंसिडेंट एट द इंटरफेस बिटवीन टू डायलेक्ट्रिक्स विद एन इंसिडेंट एंगल ऑफ। आपको मैंने बताया था ये ब्रिस्टर एंगल की बात कर रहा है, टेन थीटा आई वी इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन टू बाय एप्सिलॉन वन। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 9/4 यानी कि 3/2, यही वैल्यू है। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आई बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ई एम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 MHz पासिस फ्रॉम वैक्यूम, ये वैक्यूम में इंटू अ डायलेक्ट्रिक देन। अब आप इसमें देखिए, आपने एक चीज पढ़ी है वी पी इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर, पढ़ा होगा। अब आप इसमें देखिए जो डायलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको, दिस इज अराउंड 4 सी बाय अंडर रूट 4। मैं इसको सी बाय 2 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसमें ये कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है वी पी इज इक्वल टू लेमडा एफ होता है, क्योंकि ये कह रहा है वैक्यूम इंटू डायलेक्ट्रिक मीडियम। मान ली वैक्यूम में वी वन है और डायलेक्ट्रिक में वी टू है, तो ये लेमडा वन बाय लेमडा टू हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी, जो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है वो तो आपकी एक तरह से अगर मैं देखूँ तो ये कितनी है, ये है सी वन, लेमडा वन इज इक्वल टू सी वन बाय एफ वन हो जाएगा ना, ये सी वन बाय एफ वन और ये सी टू बाय एफ टू, लेकिन कायदे से ये रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ये देखिए कि जो लेमडा वन आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, एक्चुअली लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू ऑफ वी वन बाय वी टू हो गया ना, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये लेमडा टू बाय टू हो जाएगा, मतलब जो वेवलेंथ होगा वो डबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका यहाँ से ये जो c है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ कि ये आपका v2 जो है v1 by 2 आ रहा है ना, क्योंकि हम v2 किसका निकाल रहे हैं, स्पीड इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये तो हाफ ही है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, v1 by 2 लिख सकती हूँ ना, तो विच इम्प्लाइज ये तो कैंसिल हो गया ना, तो लेमडा वन बाय लेमडा टू इज इक्वल टू टू, तो लेमडा टू लेमडा वन बाय टू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वेवलेंथ है वो कितना आ रहा है, वेवलेंथ इज हाफ एंड द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही है ना, आप यहाँ से भी देख लीजिए ना, जब आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ से देखिए ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि लेमडा वन बाय लेमडा टू इज इक्वल टू, मैं वी वन बाय वी टू भी लिख लूँ या सी वन बाय सी टू भी लिख लूँ, तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि v1 इज प्रोपोर्शनल टू c1, तो मैं डायरेक्ट लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 लिख सकती हूँ या v1 बाय v2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो थी। नेक्स्ट है, अ प्लेन वेव इज जनरेटेड, क्या दिया है, अ प्लेन वेव इज जनरेटेड अंडर वाटर एंड द वेव इज पैरेलल पोलराइज्ड। अगेन ये ब्रिस्टर एंगल की बात कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1। तो ये टैन इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पे कितना दिया है ये 81 एप्सिलॉन नॉट बाय, ये वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट होगी, तो कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 9 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी ये 83.659 आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो इसकी वैल्यू होती है टैन इनवर्स 9 की वो 83.659 होती है। तो 659 को हम 66 तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ करंट डेंसिटी एट टू साइड्स ऑफ एन इंटरफेस आर इक्वल टू द कंडक्टिविटी। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, पढ़ा है ना। अब आप खुद ही देख लीजिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी, अभी जे टी वन माइनस जे टी टू अगर हम करें तो या जे टी वन अपॉन जे टी टू इज इक्वल टू कंडक्टिविटीज के इक्वल होता है, जो कि सही है, विच इज ट्रू द रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है, बिकॉज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी इज कंटिन्यूस, ये ट्रू है, आपने पढ़ा है डी एन वन इज इक्वल टू डी एन टू, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन ई वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू ई टू, कंटिन्यूस होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, और इसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी, देखिए आपने पढ़ा होगा ना डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, यहाँ पे हम कंडक्शन करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू सिग्मा। तो कह रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट भी कहीं कहीं
वो डिपेंड करता है कि आपका कंडक्टर की इंटरफेस है या डायलैक्ट्रिक का डायलैक्ट्रिक है। तो यहाँ पे दोनों सही है लेकिन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसीलिए जो ये है, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट द आर इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए ये दोनों सही है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, अ प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ दिस मच हैज एन ई दिया है। डिटरमाइन द, देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी में आप देखिए जो जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन मॉड ई स्क्वायर, ये होता है। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ इंटू 1/36 पाई, ठीक है, इंटू 10^9 होता है। अब आप इसमें देखिए जो आपका मॉड ई स्क्वायर है, मॉड ई स्क्वायर कितना दिया है आपको, मॉड ई स्क्वायर आपको दिया है 100√π, यही दिया है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100√π इंटू 100√π। तो ये जो है आपका ये पूरा कैंसिल ही कर देगा इसको, तो है ना। तो ये वैल्यू कुछ आएगी आपकी 10^50/36 इंटू 1/10^9। जब आप पूरा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 138.89 nJ/m³। ठीक है, आप ये भी देखिएगा कि यूनिट्स क्या आ रहे हैं। अगर यूनिट्स ऑप्शंस में सेम है तो आप मान लीजिए आपका कुछ नहीं अलाइनमेंट बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप आंसर के हिसाब से देख के उसको फटाफट टिक लगा देंगे, तो ये आंसर आएगा। फॉर्मूला देखिए मैं क्या क्या लगा रही हूँ। नेक्स्ट है, फॉर अ प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग इन अनबाउंडेड मीडियम। अनबाउंडेड मीडियम का मतलब ही होता है कि वो फ्री स्पेस है। मिनिमम एंगल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का होता है, हमेशा याद कीजिए, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू मॉड ई बाय एच होता है। हम प्लेन वेव की बात कर रहे हैं और ये फ्री स्पेस है, तो दोनों क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ई और एच के एंगल का जो एंगल होता है 90° होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए जनरली जो आपकी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफी सारे बैंड्स में, रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे आरएफ वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, एक्स रेज है, गामा रेज है। तो ये जो दो रेज हैं आपकी, एक्स रेज गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, क्योंकि एक तो इनकी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती है, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एंड इनकी लार्ज फोटोन एनर्जी भी होती है। तो इसीलिए ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है, देखिए आपका कंडक्टिंग कंडक्टिंग मीडियम है, हमेशा याद रखिए इसने क्या पूछा है आपसे, जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो ईटा जो कंडक्टिंग मीडियम का होता है अंडर रूट ओमेगा म्यू बाय सिग्मा एंगल 45°। दिस यू शुड नो। अब इसमें आप वैल्यू देखिए कितनी आएगी, इसकी वैल्यू है 2π f। एफ की वैल्यू कितनी है 100 MHz, तो ये आ जाएगी। और जो म्यू है, म्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। तो ये वैल्यू होगी 4π × 10^-7 hp/m, और म्यू आर आपको 1 दिया ही हुआ है। तो ये वैल्यू हो गई, एंड डिवाइड बाय सिग्मा, कंडक्टिविटी कितनी दी है 58 × 10^6। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, ये जो भी आ रहा है, ये वैसे मैंने पूरा जब सॉल्व किया था तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कुछ आंसर आ रहा है 0.00048। ठीक है, आप इसको पूरा, आप क्योंकि आपके पास पाई स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 × π² × 10^ ये तो कैंसिल हो गया था, तो 10^-5 हो गया था, अपॉन ये 58 था, यही था। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इतना आ रहा था, लेकिन जो आपका बुक्स में पीछे आंसर दिया रहता है वो आंसर आपका कुछ दिया है 3.69। अब ये आप खुद ही ब्रेन लगा लीजिए कि इसमें देखिए ये दोनों ऑप्शंस तो लगभग सेम ही है, लेकिन एंगल माइनस में तो नहीं आ रहा है। तो ये जो क्योंकि 4 पॉइंट यही है 0.0048, लगभग जनरली ये 4.8 × 10^-4, मतलब इससे मिलता जुलता है, तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है तो बी पूछे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी हम करके बताते हैं आपको। देखिए अब आप इसमें देखिए कि ये क्या पूछ रहा है, देखिए ये आपको दिया है, देखिए इसमें आपको ई वाई कंपोनेंट दिया है। पहले तो आप देखिए ई एक्स बाय एच वाई इज इक्वल टू ईटा इक्वल टू ई वाई माइनस ई वाई अपॉन एच एक्स, यही होता है। अब आप इसमें देखिए जो एच एक्स होता है, एच एक्स हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें ई वाई कंपोनेंट गिवेन है, तो हमारा एच एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ई वाई बाई ईटा हो जाएगा, यही होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस ई वाई बाय ईटा, ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड,
ठीक है, जब आप इसमें इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई वाई बाई ईटा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट म्यू बाय एप्साइलन हो जाएगी, एंड ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी, ए एक्स ही तो होगी, जब हमें ई वाई कंपोनेंट दिया है, हमें एच एक्स निकालना है तो इसका एक्स कंपोनेंट ही तो आएगा। जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे इस चीज को, हमें बी निकालना है, ये तो एच कंपोनेंट था एच एक्स, अब हमें बी निकालना है, तो बी की वैल्यू म्यू एच एक्स होती है। आप इसको सॉल्व करके लिखिए, माइनस म्यू ई वाई इंटू अंडर रूट एप्साइलन बाय अंडर रूट म्यू। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे, क्योंकि मैं सॉल्व भी करके बता रही हूँ, अंडर रूट म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। अब आप जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका है कुछ, सॉरी इसको मैंने, इसको कैंसिल नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये दोनों और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और आपका आएगा माइनस ई वाई। ओके, और मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, बीटा, देखिए जो आपका यहाँ पे जो बीटा होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्साइलन, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कुछ बीटा बाई ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एप्साइलन। तो ये जो आपका बी आएगा वो कुछ आएगा माइनस ई वाई इंटू बीटा बाय ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, यहाँ ऊपर आएगा ना न्यूमरेटर में, क्योंकि उसी के लिए तो मैंने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो बीटा और या बाय ओमेगा और देयर साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए ऑप्शन होगा। ये देखिए ये जो है ना आपका, एक तो ये, हाँ जी सॉरी, ये कर्सर दिखाई नहीं देता, ये ऑप्शन। तो मैंने आपको करीब 12-13 क्वेश्चन कराए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 17, 17 क्वेश्चंस कराए हैं और इनके सबके फॉर्मूले से पूरा रिवीजन हो रहा है आपका अच्छे से। तो थैंक्स, अब से मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूंगी, थैंक्स बोल रही हूँ आपको, और ये आप प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए पेपर 1 मैं तभी शुरू करूंगी जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पेपर 1 मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, जो मेरा नेट निकाला था मैंने, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और मेरी मदद करें कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।